वेलकम 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 दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कॉम्बो प्रो में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एंड्रॉइड मोबाइल की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एंड्रॉइड मोबाइल के एक ऐसे यूज के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप पावर पॉइंट के स्लाइड्स, जो कि आप ऑफिस में, कॉलेज में, सेमिनार में जब प्रेजेंट करते हो, तब वो पावर पॉइंट के स्लाइड्स आगे पीछे करने के लिए, बैक एंड फोर्थ करने के लिए आप पावर पॉइंट स्लाइडर, जो कि बहुत महंगा होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। बट आप ये आपके एंड्रॉइड मोबाइल से ही आपके स्लाइड्स आगे पीछे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और फ्री हैंड प्रेजेंटेशन दे कर सकते हैं। चलो तो दोस्तों देखेंगे। अब इसको अच्छे से जानने के लिए अब हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ। आप कोई भी आपका लैपटॉप हो, HP हो या डेल हो या सोनी का हो या कोई भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आपको सिर्फ इसके अंदर एक सेटिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र या आपका कोई भी मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र, कोई भी आप इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको सिर्फ टाइप करना है लिनोवो शेयर इट फॉर PC डाउनलोड। इंटरनेट की ज़रूरत सिर्फ आपको ये ऐप या एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ ज़रूरत है। इसके बाद आप जो है ये शेयर इट ऐप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और जिससे आपके PPT के स्लाइड्स इस शेयर इट ऐप से ही आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखेंगे आप इसको ओपन करने के बाद जो फर्स्ट लिंक यहाँ पर अपीयर होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको लिनोवो शेयर इट डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पर इसे क्लिक करना है, और इसे क्लिक करने के बाद आपको ये जो विंडो का शेयर इट है आपको इसे डाउनलोड करना है। जैसे कि 6.15 MB सिर्फ इसका यहाँ पर ये फाइल की साइज़ बताई जा रही है, टेस्टेड क्लीन है। इसको आप बिना झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ी देर में इसका डाउनलोड स्टार्ट होगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद जो है आपको उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे आइकॉन दिखेंगे, यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है अब यहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, शेयर इट। ओके, इसे आपको ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है मेरे टास्क बार पर, और यहाँ पर ऐसे डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा या ऐसे मैसेज अपीयर होगा, ओपन कनेक्ट टू PC ऑन अनदर डिवाइस। अब हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हूँ। अब यहाँ पर हम पहले ऐप लिस्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पर आपको शेयर इट चूज करना है। आप ऑलरेडी शेयर इट आपके पास होगा तो शेयर इट आप ओपन करें, या ना हो तो फिर इसे इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये शेयर इट, ओके, इस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो राइट टॉप कॉर्नर में 4 स्क्वेयर का जो यहाँ पर आइकॉन या सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख पा रहा है यहाँ पर कनेक्ट PC। ओके, इसे कनेक्ट PC को ओपन करना है, और लैपटॉप के ऊपर जो मैसेज है उसे भी आपको ओपन करना है। अब जो कनेक्ट एडमिन, ओके, जैसे कि मैंने मेरे लैपटॉप का जो ID है वो एडमिन के नाम से है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कनेक्टिंग टू ID हो रहा है, राइट। अब लैपटॉप के स्क्रीन पर जो है आपको वुड यू एक्सेप्ट और आपके मोबाइल का नाम होगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ऐसे डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब हम वहाँ पर जो है हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हूँ, और यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स है जो कह रहा है कि वुड यू एक्सेप्ट MI Max 2, ओके, जो कि मेरा मोबाइल है। इसके कनेक्शन रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना है, राइट, सेट इट एज अ ट्रस्टेड डिवाइस, जो कि फिर से आपको ये मैसेज बताया नहीं जाएगा, तो इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर PPT कंट्रोल के ऊपर प्रेस करना है। ओके, कि दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर है।
आपने एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आना है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस है आपको ऐसे इस तरह से दिखाई देंगे। आपको लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे जब एक्सेप्ट करेंगे तब नीचे आपको इतने सारे जो है ऑप्शंस दिखाई देंगे। इससे आपको पीपीटी कंट्रोल को जो है आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टैप स्लाइड अप फॉर नेक्स्ट स्लाइड और स्लाइड डाउन को प्रीवियस, आप सिंपली टैप कर सकते हैं और आपके पीपीटी को जो है आप इसी से आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इसे इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देखेंगे कि ये कैसे होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाऊंगा कि मैं मेरे मोबाइल पर टैप कर रहा हूँ और जो है पीपीटी के स्लाइड जो है वो अप एंड डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, राइट। तो चलो, तो अब हम प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं इसका। तो अब मैं और आप साथ में हैं मेरे एक लैपटॉप और मोबाइल के साथ। अब मेरे हाथ में कोई पीपीटी स्लाइडर नहीं है। अब दोनों मोबाइल और लैपटॉप के जो सेटिंग्स थे वो सेटिंग्स पूरे होने के बाद अब हम इसे ऑपरेट करके देखेंगे प्रैक्टिकली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीपीटी कंट्रोल, ओके, जो बताया जा रहा है पीपीटी कंट्रोल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और आपकी पीपीटी या आपका कोई भी प्रेजेंटेशन हो वो टास्क बार के ऊपर भी अगर हो तो भी वो उसे ऊपर ले लेगा। अब देखेंगे, इसको मैं डबल टैप कर रहा हूं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पीपीटी ओपन हो चुकी है और मैं इससे ओके टैप करते हुए, सिर्फ टैप करते हुए से मैं आगे ले रहा हूं, राइट। ये स्लाइड्स जो है आप स्लाइड अप के ऊपर मैं, या आप इसे सीधे स्लाइड अप भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ सिंपली कहीं पर भी आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप कर सकते हैं, और टैप करते ही जो है आपके स्लाइड्स में जो भी एनिमेट किया हुआ कंटेंट होगा या कोई स्लाइड होंगी आगे तो वो जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब देखेंगे हम इसे पीछे कैसे लेना है। इसको आप स्लाइड डाउन कीजिए, स्लाइड डाउन करने के बाद जो है पूरे जो एनिमेटेड कंटेंट है वो रिवर्स में जा रहे हैं और जो भी पीछे स्लाइड होगी वो वहां तक भी हम जा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम सिर्फ स्लाइड अप और स्लाइड डाउन से जो है इसको एज ए पीपीटी स्लाइडर बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आता है 3 से 4 या फिर 5 हजार तक जो है पीपीटी स्लाइडर की कीमत होती है, लेकिन आपके 5-6 हजार के एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी या 10-20 हजार का एंड्रॉयड मोबाइल अगर हो फिर भी जो है आप इसको एज ए पीपीटी स्लाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर का जो फंक्शन है वो एक कमाल का फंक्शन है। इसे आप आपके ऑफिस के अंदर, कॉलेज के अंदर और आपके सेमिनार या फिर जो भी प्रेजेंटेशन हो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 से 5 हजार रुपए बचा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे अपडेट्स आपको दे सकूं। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।